बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्यो डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आपको अपने चैनल शिफा एच टी वी में खुश आमदीद कहता हूं। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक इनफर्टिलिटी, भांजपन या बे औलादी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और हमारे मौशे के अंदर जो है वो ये एक जो चीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर गुज़रते दिन के साथ उसमें लड़ाई झगड़े और शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो तलखियाँ हैं वो बेसिकली वो बे औलादी की वजह से होती चली जा रही हैं। तो व्यूअर्स, मैं ऐसे लोगों को बताता चलूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। आप मुकम्मल एतमाद और तसल्ली के साथ होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल करके बग़ैर ऑपरेशन इस मसले से निजात पा सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब तक हज़ारों नहीं तो लाखों जो लोग हैं उनको होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए औलाद जैसी नेमत से सरफराज किया है। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग, जितने भी जोड़े हैं, जितने भी कपल्स हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना और उसमें बेटे और बेटी जैसी नेमत से नवाजे। जिनके पास बेटे हैं अल्लाह ताला उनको बेटियाँ दे, और जिनके पास बेटियाँ अल्लाह ताला उनको बेटे अता करे, और जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से सरफराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मर्दों के अंदर बेसिकली जो मादा तौलीद का कम होना और उसके साथ जो स्पर्म्स हैं उनका काउंट कम होने की वजह से, तो इसके अलावा जो पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नोशी और इस तरह की जो ड्रग की एडिक्शन है, तो इसकी वजह से भी उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के भांजपन और इनफर्टिलिटी का जो है वो बाइस बनती हैं। और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो इसमें औरत का रोल है। इस वक्त जितना रोल मर्द का है उतना ही रोल औरत का है। अगर मर्द सेहतमंद होगा, औरत सेहतमंद होगी, तो ये मामलात आगे चलेंगे। अगर दोनों के अंदर किसी को भी, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, उसके अंदर किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो आगे चल के यही इनफर्टिलिटी और भांजपन और बे औलादी को जो है वो जन्म देती हैं। इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो LH और FSH हार्मोन है, इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आजकल जो देखने में आया है और उसमें PCOS का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। हर गुज़रते दिन के साथ अगर हम देखें तो PCOS का प्रॉब्लम जो है वो, चाहे वो मैरिड वुमेन है चाहे वो अनमैरिड हैं, उनके अंदर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उनके बाल भी गिरते हैं, चेहरे के ऊपर दाने भी आते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापे का भी शिकार होती हैं। और फिर इसके अलावा जो एग की प्रोडक्शन है, जो अंडा बनने का अमल है, जब वो प्रॉपर नहीं होता तो उसकी वजह से भी आगे चल के ये भांजपन और बे औलादी जैसे जो अवामल हैं वो इसकी वजह से भी होते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे तमाम मर्द ख़वातीन जो कि इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और इसके अलावा जो भी रीज़न है, तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथिक के अंदर आप किसी मुस्तनद मालिज के साथ कंसल्ट करके और उसकी बताई हुई अद्वियात को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बग़ैर ऑपरेशन एक तो सेहतमंद औलाद से नवाजेगा। दूसरा, इसके अलावा जो अगर एक्सपेंस के हवाले से आजकल जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, ऑपरेट के जो अखराजात है हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये जो तरीका इलाज है ये उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है और उसमें आपको जो है आपका जो मतलूबा जो मामलात हैं, जो उसमें भांजपन की जितनी भी, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज है ठीक है वो हो, या इसके अलावा पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, या 6-6 माह नहीं आते, किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो आप एतमाद के साथ इस तरीका इलाज को यूज़ करते हुए अपनी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर और क्लिनिक का एड्रेस भी जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है। तो आप अगर पार्सल मंगवाना चाहें तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पहले मेडिसिन को रिसीव करें और उसके बाद आप कैश जो है वो कैश जो है वो उसको आप पे कर दें। और इसके अलावा
अगर आप फिज़िकली क्लिनिक पे आना चाहें तो क्लिनिक के ऊपर आकर आने से पहले आप मुलाकात का टाइम ले लें और उसके बाद आप आएँ फिज़िकली, इंशाल्लाह आपको चेक करके और आपकी जो भी बीमारी है उसके आपके सिम्टम के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह हम आपको ट्रीट करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस जो नेमत है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये कमी है, इस कमी को भी इंशाल्लाह पूरा कर देगा। तो इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।